हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईसीटी बुक्स। यूथ कंस्टेंट टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बुक रिव्यू करने जा रहे हैं बीपीएससी एंड जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियरिंग का, जिसमें आपको जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, जनरल स्टडीज और जनरल इंजीनियरिंग साइंस के क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें आपका सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों के कंपलसरी पेपर भी रहने वाले हैं। अब तक 1995 से 2021 तक जितने भी पेपर 31 सेट हुए हैं, उसके लगभग 2700 क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर आए हैं, जो आपको पेपर वाइज यहाँ पे मिलने वाला है, जिसमें पेपर फर्स्ट जनरल हिंदी, पेपर सेकंड जनरल इंग्लिश, पेपर थर्ड जनरल स्टडीज और चौथा आपका जनरल इंजीनियरिंग के पेपर होने वाले हैं। लैंग्वेज जो होने वाली है बुक की, वो इंग्लिश मीडियम रहने वाली है। जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे आपके इंग्लिश में रहेंगे, बस जनरल हिंदी के क्वेश्चन आपको हिंदी में मिलने वाले हैं। ठीक है, अगर इस बुक के कवर पेज की बात करते हैं, तो यहाँ पे बैक साइड में जो एई एग्जाम्स के लिए अवेलेबल होती है बुक, वो यहाँ पे अवेलेबल आपको मिल जाएंगी। जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की एक वॉल्यूम में आती है, इसके अलावा असिस्टेंट इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग के लिए वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में आती है, और असिस्टेंट इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, ये 5 बुक के आपके असिस्टेंट इंजीनियरिंग के लिए आती है। उसके बाद अगर जूनियर इंजीनियर की बात करते हैं, तो सिविल की 2 बुक्स हैं, मैकेनिकल की 2 बुक्स हैं और इलेक्ट्रिकल की 2 बुक्स हैं, ये बुक्स अभी अवेलेबल है। अगर इस बुक के नंबर ऑफ पेजेस की बात करते हैं, तो ये 288 पेजेस की बुक रहने वाली है। और इसकी प्राइस की बात करते हैं, तो प्राइस जो है वो 250 रुपीज़ है, जो ऑनलाइन ऑफलाइन अलग अलग डिस्काउंट्स पे अवेलेबल होती है। आपके ऑनलाइन स्टोर पे अलग डिस्काउंट होता है और आपके ऑफलाइन स्टोर पे अलग डिस्काउंट होता है। कुछ ऑनलाइन स्टोर जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, इंस्टा, जो लिंक मैं प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, वहाँ से डायरेक्ट आप ऑर्डर बुक कर सकते हैं, या आप इसे whitecitybooks.com से भी डायरेक्ट ऑर्डर बुक कर सकते हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, या एक व्हाट्सअप नंबर है 7518340504 या 8840100504, इसके द्वारा भी आप इसका ऑर्डर बुक कर सकते हैं। इन पर व्हाट्सअप करेंगे, व्हाट्सअप पे आपको एड्रेस और पेमेंट भेजना होगा, वहां से आपको ऑर्डर भेज दिया जाएगा। अगर बात करते हैं कौन कौन से इसमें पेपर्स रहने वाले हैं और क्या सिलेबस रहेगा, तो सबसे पहले पेपर डिटेल दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं सिलेबस बता दूंगा आपको डिटेल से। तो सबसे पहले यहाँ पे बीपीएससी यही जो 2017 में हुआ था, 2 पेपर हुए थे, एक 16 सितंबर उसका यहाँ पे मिलेगा। फिर बीपीएससी ए मेन 2017 का, वो आपको मिलने वाले हैं। तो इसमें आपको सिविल के मेन के एग्जाम्स के 2017 के मिलेंगे, उसके अलावा पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 4 पेपर यहाँ मिलने वाले हैं। ये बीपीएससी ए 2017 का है, और यह भी आपको बीपीएससी ए का मिलेगा। यहाँ पे आपको सिविल का मेन एग्जाम का मिलेगा, फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 पेपर यहाँ मिलने वाले हैं। बीपीएससी ए सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल 2012 का मेन्स का पेपर मिलेगा, और यहाँ पे आपको पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 पेपर यहाँ पे मिलने वाले हैं। बीपीएससी ए 2006 इसमें भी आपको मिल जाएंगे, तो यहाँ पे 4 पेपर से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये मिलने वाला है। इसके बाद बीपीएससी ए 2001 1995 ये यहाँ के पेपर्स मिलेंगे। फिर जेपीएससी ए 2019 उसके पेपर से यहाँ पे मिलने वाले हैं। जेपीएससी ए 2013 उसके भी पेपर यहाँ मिलने वाले हैं। तो चारों पेपर यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे, पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 पेपर रहने वाले हैं। ये पूरा यहाँ पर डिटेल आपको मिल जाएगा। टोटल 31 पेपर्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ को मिलाकर 31 पेपर्स रहने वाले हैं। सिलेबस जो रहता है, सिलेबस में बताते हैं, सामान्य अंग्रेजी के जो क्वेश्चन रहते हैं 100 क्वेश्चन 100 नंबर का होता है, सामान्य हिंदी 100 नंबर का होता है, ये दोनों क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। इसके अलावा सामान्य अध्ययन 100 नंबर के और सामान्य अभियंत्रण विज्ञान ये 100 नंबर का होता है। उसके बाद जो भी आपका ब्रांच हो, सिविल, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल, उसके 100 नंबर के 2 पेपर्स होते हैं। वो ये जो आपके सामान्य अध्ययन, सामान्य अभियंत्रण विज्ञान और ये 2 पेपर, इसको मिलाकर 400 नंबरों का आपका फाइनल मेरिट बनती है, जिसमें आपके सिलेक्शन होते हैं। तो यहाँ पर सिलेबस मिलेगा सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी का, वो इस तरह के होंगे कि भारतीय भाषा संबंधी प्रयोग की समझदारी की जांच हो। फिर तृतीय पर सामान्य अध्ययन रहेगा, सामान्य अध्ययन के यहाँ पर सिलेबस रहेगा। चतुर्थ पे 100 अंकों का होगा, सामान्य अभियंत्रण विज्ञान के पत्र में अभियंत्रण यांत्रिकी की जानकारी समाहित होगी, ये 4 पेपर हो जाएगा। फिर आपकी मेथोडोलॉजी का होगा, इसमें यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे। फिर आपका जो ब्रांच वाइज पेपर होता है, जैसे सिविल वालों का है, तो सिविल वालों का पेपर यहाँ पे मिलेगा 50-50 क्वेश्चन के, ये यहाँ पे डिटेल आपको मिल जाएगी। यहाँ पे सिविल, मैकेनिकल और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल, ये सबका यहाँ पे डिटेल सिलेबस दिया गया है। जेपीएससी एंड बीपीएससी वालों का सिलेबस यहाँ पे डिटेल से दे दिया गया, वो हमने यहाँ पे दे दिया है। फिर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं लास्ट वाला पेपर, जो 16 सितंबर 2018 को हुआ था, बीपीएससी एई प्रिलिमनी, तो यहाँ पे दिया गया है, वो आपको मिल जाएगा। 3 घंटे का पेपर होता है, क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। लाइट इमिटिंग डायोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोटोनिक डिवाइसेज, मैकेनिकल डिवाइसेज, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज या सेंसिंग डिवाइसेज। तो ये ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज होता है, एलईडी होती है, ये यहाँ पे डिटेल आपको मिल गया है। कुछ यहाँ पे डिवाइसेज भी मिल जाएंगे, जैसे लाइट इमिटिंग डायोड, लेजर डायोड, सुपर लुमिनेसेंट डायोड।
तो ये तीन एग्जांपल्स भी यहाँ पे दे दिए गए हैं, उससे रिलेटेड जो भी आपके सॉल्यूशन हो सकते हैं उसकी डिटेल से जानकारी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो ये आपके लगभग जो बीपीएससी एई का पेपर हुआ था वो 150 क्वेश्चन का हुआ था, ये यहाँ पे आपको 150 क्वेश्चन की सीरीज यहाँ पे आपको मिल जानी है। देखिए यहाँ पे 150 क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो जाते हैं, फिर आपके 15 सितंबर का जो पेपर हुआ था 2018 में उसके पेपर्स की जानकारी यहाँ पे मिलेगी। तो फर्स्ट सेकंड जो पहला पेपर था वो दोनों पेपर हमने दिखा दिए, यहाँ पे ये भी 150 क्वेश्चन का रहने वाला है। फिर उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट पेपर स्टार्ट होता है हिंदी, हिंदी के क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट हो गए, ये 5 अगस्त को हुआ था, 5 अगस्त को जो पेपर हुए थे वो मिल जाएंगे यहाँ पे। टोटल 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं बीपीएससी एई जनरल हिंदी का फर्स्ट पेपर का। फिर सेकंड पेपर इंग्लिश का रहता है, तो इंग्लिश के यहाँ पे पेपर आपको सारे मिल जाने हैं, यहाँ भी 100 क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश के समाप्त हो जाते हैं। देखिए इंग्लिश के 100 क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद जनरल स्टडीज का पेपर होता है, ये 6 अगस्त को हुआ था, 3 घंटे का ये भी पेपर होता है, तो इसमें भी आपको 100 क्वेश्चन यहाँ पे मिलने वाले हैं। देखिए जनरल स्टडीज के पेपर समाप्त हो गए, 100 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। इसके बाद पेपर फोर्थ स्टार्ट होता है जनरल इंजीनियरिंग साइंस का, तो यहाँ पे ये कितने घंटे का होता है, ये 1 घंटे का होता है, ये 7 अगस्त 2019 को हुआ था, यहाँ पे आप देख सकते हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाने वाला है। तो इसमें टोटल 50 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये 50 क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका पेपर फर्स्ट स्टार्ट हो जाता है 2017 वाला, यहाँ पे फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर, ये 27 मार्च 2019 को हुआ था और ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फर्स्ट पेपर यहाँ पे 100 क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश स्टार्ट हो जाती है, इंग्लिश में भी यहाँ पे 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, ये डिटेल के सारे सोल्यूशन यहाँ पे डिटेल के साथ दिखाए गए हैं। फिर उसके बाद जनरल स्टडीज का पेपर होता है, वो आपको यहाँ पे मिल जाने वाला है। जनरल स्टडीज के जैसे 100 क्वेश्चन समाप्त होते हैं विद डिटेल आपको हर एक चीज मिल जाएगी यहाँ पे। फिर आपके यहाँ पे जनरल इंजीनियरिंग साइंस के पेपर यहाँ पे स्टार्ट होता है, ये 1 घंटे का होगा, 50 क्वेश्चन होंगे, उसके यहाँ पे सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे 2012 का पेपर स्टार्ट होता है, जो 1 दिसंबर 2012 को हुआ था, वो डिटेल आपको यहाँ पे पूरे विथ सोल्यूशन यहाँ पे मिलने वाली है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये फोर्थ पेपर है, ये 1 घंटे का होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में दिखा दिया आपको, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये बीपीएससी के पेपर्स हो गए, अब मैं आपको जेपीएससी के पेपर्स दिखा दे रहा हूँ। जो 1995 का जो पेपर हुआ था वो आपको यहाँ पे मिल जाने वाला है। यहाँ पे देखिए जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियरिंग प्री का स्टार्ट होता है, ये 19 जनवरी 2020 को हुआ था, 2 घंटे का पेपर होता है। यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट है, हु बिकेम द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन इन द इंडियन गवर्नमेंट, यानी प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो वो थे आपके मौलाना आजाद जी थे। यहाँ पे दिया गया जीबी पंत क्या थे वो भी दिया गया है, रफी अहमद किडवाई क्या थे वो यहाँ पे दिया गया है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन की डिटेल यहाँ पे दे दी गई है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ 100 क्वेश्चन यहाँ समाप्त हो जाते हैं, पूरा यहाँ पर डिटेल सोल्यूशन दिया गया। तो जेपीएससी का जो फर्स्ट पेपर था वो स्टार्ट होता है, ये 3 घंटे का होने वाला है, इसमें सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, इसमें भी लगभग 100 क्वेश्चन यहाँ पे पूरे पूछे गए हैं, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर सेकंड पेपर इंग्लिश का होता है, इंग्लिश में भी 100 क्वेश्चन है, वो आपको दिए जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ पे पूरे सोल्यूशन के साथ 288 पेपर समाप्त हो जाती है, फिर हमारा लास्ट में बैक कवर आ जाता है। तो इस प्रकार इस बुक में इतनी सारी चीजें दी गई हैं, एक बार मैं पेपर की डिटेल्स भी बता दे रहा हूँ। आपको चाहिए हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुप्ता अपडेट्स, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर मैंने सैंपल अपलोड कर दिया, वहाँ से आप इसे चेक कर सकते हैं, वहाँ पे इसका सारे सैंपल अपलोडेड है, वो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। बुक अगर परचेज करना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट या आप व्हाट्सएप के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं, या ऑनलाइन लिंक जैसे अमेजन फ्लिपकार्ट इंस्टामोजो के थ्रू भी ऑर्डर कर सकते हैं। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा, और किसी बुक का रिव्यू चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू गाइज।